घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दिए जाने का फैसला जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में आया, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसले में एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। इन बातों और फैसलों को लेकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते दिखे। कुछ देर बाद ऐसे लोग भी नजर आए जो जस्टिस धर्मेंद्र राणा के फैसले को धर्म के चश्मे से देख रहे थे। आपको ये बता दें कि जस्टिस राणा ने दिल्ली दंगों के आरोप में बंद सफूर अजरकर को बेल देने से मना कर दिया था। तब बहुत से लोगों ने जस्टिस धर्मेंद्र राणा का सोशल मीडिया पर विरोध किया। आइए जानते हैं कि इस बहस के पीछे लोग क्या तर्क दे रहे हैं, कौन है एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा और क्या है पूरा मामला। सबसे पहले फैसले पर विवाद जान लीजिए। ट्विटर पर दिशा रवि को जमानत दिए जाने के फैसले को लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं। लोगों ने कहा कि यह फैसला सरकार के लिए बहुत बड़ा धक्का भी है। आइए जानते हैं कि लोगों ने इस पर क्या क्या कहा। फिल्म एक्टर तापसी पन्नू ने लिखा, उम्मीद अब भी जिंदा है। सरबजीत सिंह ने लिखा कि जस्टिस धर्मेंद्र राणा को सलाम, संविधान की भावना के साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। गौरव भट्ट ने ट्वीट किया, जज धर्मेंद्र राणा के लिए ढेरों तालियां, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। विरोध करने वालों की अपनी दलीलें हैं। फैसले पर कुछ लोगों ने सफूरा जरगर केस की याद दिला दी। उन्होंने जज के फैसले को धर्म के नजरिए से पेश करने की कोशिश की। माधव नाम के यूजर लिखते हैं, दिशा को जमानत दिए जाने के फैसले का जश्न मनाने से पहले सोच लें कि वही जज धर्मेंद्र राणा है जिन्होंने प्रेग्नेंट महिला सफूरा जरगर को CANRC प्रोटेस्ट करने के लिए जमानत देने से मना कर दिया था। अलग धर्म, अलग नियम। आदित्य मेनन ने लिखा, ये वही जज हैं जिन्होंने प्रेग्नेंट सफूरा जरगर की बेल कैंसिल कर दी थी। मतलब लिबरल तब ओके हैं जब एक अल्पसंख्यक को जेल में रखा गया हो। रोहन श्रीवास्तव ने लिखा, भारतीयों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, इस वजह से इलेक्शन भी परफॉर्मेंस से ज्यादा हीरोइज्म से जीते जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण देखिए, जस्टिस धर्मेंद्र राणा दिशा रवि को बेल देने की वजह से लिबरल्स के लिए हीरो हैं, जबकि इन्होंने ही पिछले साल सफूरा जरगर को जमानत देने से मना कर दिया था। दुखद। एलिना नाम की यूजर ने इस पूरे मामले पर जज धर्मेंद्र राणा द्वारा ही कही गई लाइनें लिखी जो उन्होंने सफूरा जरगर के मामले में कही थी, अगर आप चिंगारी से खेलते हैं तो हवाओं को ये दोष नहीं दे सकते कि उसकी वजह से चिंगारी ज्यादा दूर चली गई और आग फैल गई। सफूरा से ये चीज जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने कही थी। इस पूरी बहस से इतना अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि कुछ लोग फैसले को बिना पूरा पढ़े ही फैसले को खास नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी फैसले की सिर्फ दो लाइनें पढ़कर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि जज ने किसी को जमानत क्यों दी और किसी की क्यों खारिज कर दी। किसी आरोपी को बेल देने या न देने का फैसला पूरी तरह से जज के विवेक पर होता है। अगर आरोपी का वकील अपनी दलीलों से जज को संतुष्ट कर पाता है तो जज बेल दे देता है। दूसरी तरफ अगर पुलिस या आरोप लगाने वाली एजेंसी बेल न देने के लिए मजबूत पक्ष रखती है तो जज बेल से इनकार भी करता है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिशा रवि को बेल देने का विरोध किया था, फिर भी जज ने उन्हें बेल दी। जज धर्मेंद्र राणा पहले भी बड़े फैसले दे चुके हैं, जहां तक उनकी बात है तो दिशा रवि और सफूरा जरगर के मामलों के अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला निर्भया के दोषियों की फांसी से जुड़ा हुआ है। barandbench.com की खबर के मुताबिक तकरीबन एक साल पहले जज राणा ने निर्भया रेप कांड के दोषियों का डेथ वारंट जारी किया था। उन्हें 20 मार्च 2020 को फांसी दी जानी थी। 3 मार्च को फाइनल डेथ वारंट जारी करने के पहले जज राणा ने 4 आरोपियों के लिए फाइनल डेथ वारंट जारी करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके पास कानूनी उपचार का रास्ता बचा हुआ था। ये वो वक्त था जब निर्भया आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी देने का चौतरफा दबाव बन रहा था। जज राणा ने अपने फैसले में लिखा था कि पीड़ित पक्ष की तरफ से लगातार विरोध के बावजूद मैं मानता हूं कि किसी दोषी के मन में अपने निर्माता के पास जाने से पहले यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उसके देश के सिस्टम ने उसे सभी कानूनी उपचारों का इस्तेमाल नहीं करने दिया। जज राणा ने सिद्ध पवन की ताजी दया याचिका के राष्ट्रपति के पास से जवाब आने का इंतजार करने की बात कही। इससे पहले फरवरी 2020 में जज राणा ने निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की तारीख की घोषणा करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो कानूनी उपचार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, यह आपराधिक पाप होगा अगर दोष सिद्ध किसी शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया जाए जबकि उसे कानून अभी जिंदा रहने की इजाजत देता है। फांसी दिए जाने के एक दिन पहले जब निर्भया कांड के दोषी डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए जज राणा के सामने पहुंचे तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस पूरी प्रक्रिया में जितना वक्त खर्च हो रहा है उसने कई दूसरी तरह की आवाजों को जन्म दिया है। ये आवाजें कानून के शासन की अवधारणा पर ही सवाल खड़े कर रही है। मैं शंका करने वाले हर एक शख्स से कहना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की महान धरती पर कानून का शासन की अवधारणा से ही न्याय होगा, न कि भीड़ की मानसिकता से। फिर चाहे वो न्याय किसी खतरनाक अपराधी के किए सबसे
ऐसे जघन्य अपराध के लिए ही क्यों ना हो। कानून का लचीलापन किसी भी तरह की इंसानी गलती से बचाव के लिए है, इसे कानून की कमजोरी न समझा जाए। निर्भया मामले में जब दोषियों द्वारा फांसी की सजा से बचने के लिए कई बार एप्लीकेशन दी गई तो इस पर भी जज राणा ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हर शख्स को कानून का उपचार मिलना चाहिए और इसके लिए केस लड़ रहा बचाव पक्ष का वकील जिम्मेदार है। वकील द्वारा केस में देरी करने के लिए कानूनी पैंतरे इस्तेमाल करने की वजह से जज राणा ने बचाव पक्ष के वकील को लेकर बार काउंसिल को कहा था कि इन्हें उपयुक्त संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे अमित, मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे अमितेश, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।